जी हम दोनों मिलके आज फरीदकोट जाने वाले हैं और आपको मेरे साथ फरीदकोट पूरा दिखाने वाले हैं, जो भी अच्छी जगह है जहाँ मैं अक्सर जाती हूँ। ये फरीदकोट का रेस्ट हाउस है, सबसे अमेजिंग प्लेस। पहले शुरुआत करते हैं मूर्तियों से। ये देखो भाई, ये देख लो, ये पुराने जमाने में कुछ ऐसी रोजा यार, मैं उसकी भी लेके आती हूँ, फिर मैं तेरे को दिखाती हूँ। ये है फरीदकोट का दफ्तर, लिखा तो कुछ ऐसा ही। हाय गाइस, हम ना ये रेस्ट हाउस के पार्क में आए हैं, हम बैठे हैं, थोड़ा सा हमने घूम लिया है, काफी कुछ देखा है, कुछ मूर्तियां बनी हुई है बड़ी अच्छे शेर के जैसे, कुछ बाजा बजाते हुए स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और एक व्हाइट कलर का वो था शायद, यहाँ से देखी जाए वो पीछे जी ये वाला, ये देखा है, अंदर नहीं गए वैसे, बाहर से बड़ा अच्छा लग रहा है। चर्च टाइप था पर चर्च नहीं है, वो एक दफ्तर है फरीदकोट का। बाकी ये मेरे कजन है, ये मेरे भाभी जान है जो हमारे साथ इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं, कैमरामैन के साथ अमिता। आप हो चापी दोस्त अमिता, देखो मैं कैमरा ये है। और बताओ हम आप कहाँ पे जाने वाले हैं? और पूछना, पूछ कैसे हो, पूछ कैसे हो, हम तो नहीं उनसे कैसे हो, हाय कैसे हो, हम ठीक है। और अब थोड़े से यहाँ घूम के झूला झूलेंगे, उसके बाद हम घंटा घर देखने जाएंगे, उसके बाद एक किला देखने जाएंगे, अगर वो खुला हो तो, ऑप्शनल है वो वहाँ जाके पता लगेगा कि हम अंदर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ओके, रानी के किले में जाना चाहते हैं या राजा रानी जिसका भी हो यार, नहर हमें देखने से मतलब है, अगर दिख गया तो देख लेंगे थोड़ी सी देर बाद। बच्चों के कैरेक्टर्स है, वैसे मैं बता दूं ये मेरा फेवरेट है। जब मैं छोटी थी ना तो मैं इसके सबसे ज्यादा कार्टून देखती थी, माय फेवरेट मॉडी। अमृत वाच गिर जाएगी ना, मजा ही आ जाएगा। Thank you.
दुपट्टा दे दूँ मेरे खाओ खाओ इतना बड़ा मुंह तो नहीं मेरा खाओ ना सही यार मैं खाली के नहीं पड़ी लगूंगी